हेलो, मैं सुरेश गाबा और ये मेरी वाइफ राजेश गाबा। आज बहुत एक्साइटेड हैं हम कि हमारी छोटी बहन शशि, जिसको प्यार से हम गुड्डो बोलते हैं, अपने जीवन के 60वें जन्मदिवस में प्रवेश कर रही है। शशि को बहुत बहुत बधाई हो, शशि के बच्चों को, परिवार को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई हो। शशि मेरे से 6 साल छोटी है। मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि 6 साल का फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बचपन में मुझे ये जरूर पता है, जब शशि पैदा हुई थी तो हम बहुत छोटे थे। हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हमारे घर में एक छोटी बहन पैदा हुई है, लेकिन जो जो हम बड़े हुए, शशि बड़ी होती गई और मैं अधिकतर अपने रूम में पढ़ाई में बिजी रहता था। और जब मैं PMT की तैयारी कर रहा था तो शशि का मुझे याद है कि समय समय पर चाय, नाश्ता और खाने के उसी के हाथ में रहता था, कि वो मेरा ध्यान रखती थी बहुत। शशि का जो माता पिता के साथ, हमारे जिसको हम भाभी और पिताजी कहते हैं, बहुत ही स्नेह था, बहुत प्यार करते थे, सबकी लाडली थी और छोटे छोटे फ्रॉक पहन के घूमती रहती थी। और मुझे याद है काली सी पायल उनके पैर में बहुत बढ़िया लगती थी, उसके पैर में। और पिताजी और माँ भाभी के पास में शशि का जो रहना था, सबसे ज़्यादा समय उसने बिताया पिताजी और भाभी के पास में। और जो माँ बाप का संस्कार होते हैं, इसी वजह से शशि को सबसे अधिक समय मिला ऐसे संस्कार पाने का। समय तो सभी को मिला है, सभी को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए भाभी पिताजी ने, लेकिन शशि बहुत समय से उनके साथ रही। और वो सब काम जो भाभी करती थी या भाभी की प्रेफरेंस के थे, शशि ने वो सीख लिए। भाभी बहुत डिसिप्लिन थी, शशि को बहुत डिसिप्लिन आया। और मुझे याद है कि पिताजी रिटायर हुए थे, तो स्वाभाविक है परिवार में आर्थिक डिसिप्लिन थोड़ा सा बढ़ गया था और लिमिट। हैप्पी डायमंड जुबली बर्थडे, टुडे इज 27 जून, माय डियरेस्ट सिस्टर वाज बॉर्न। सुबह सुबह उठ के बरामदे में आया, 6ठी क्लास में नया नया गया था, देखा पिताजी आटा गूंथ रहे। मैंने पिताजी को पूछा, ये क्या कर रहे हो आप, आज आप आटा क्यों गूंथ रहे हो? कहते तेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा रात को तो खाना बनाया मम्मी ने, तो मैंने कहा मैं रूम में जाके देखता हूँ। कहते नहीं 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 नहीं, तो हंसने लगे, तेरे को बहन जमी है। मैंने कहा हैं, अच्छा पिताजी ने आटा गूंथा, अब पता नहीं कृष्णा वगैरह क्या कर रहे थे, मैं तो सो के उठा था, नए नए क्लास में गए थे। तो एक हमारे घर लस्सी लेने आती थी मम्मी से, हम भाभी कहते थे उस टाइम, भाभी से लस्सी लेने आती थी। तो पिताजी कहने लगे उसको बुला ला। अब मैं 2-3 दिन से सोच रहा था उसका नाम क्या था, उसका नाम तो नहीं पता, उसकी उसके बेटे का नाम पता था जिससे हम बुलाते थे, रुपए की माँ को बुला ला। मैं रुपए की माँ को लाया, बुला के उसने काम वाम घर का किया, मम्मी का किया, सब हो गया। समय बीतता गया और जून का महीना था, धीरे धीरे सर्दियां आ गई, तो बैठने के लिए मिट्टी का एक वो बना देते थे, बीच में उसमें पिलर सा होता था, उस पिलर पे एक मिरर लगा देते थे, तो शशि को उसमें बैठाते थे और वो अपना, क्योंकि धूप हमारे बरामदे में आती थी शाम को, तो मस्त रहती थी। सबसे पहले तो ये उसका नाम शशि किसने रखा, ये जॉइंट वेंचर था कृष्णा का और पिताजी का। पिताजी को ये नाम बहुत पसंद आया, कृष्णा की कोई फ्रेंड थी या क्या थी, ये नाम रखा, नाम रखा शशि बाला। और नाम निक नेम जो है गुड़िया था इसका नाम, फिर गुड्डी कहने लगे, गुड्डी से गुड्डो कहने लग गए। तो एक्चुअली गुड़िया जो रमेश भाई साहब थे, जब आए थे वहां से चेन्नई में थे वो तम्बरम में, तो उन्होंने गुड़िया गुड़िया कहना शुरू किया। दूसरी बात, पिताजी उस टाइम बलियाने में जाते थे, जब आते थे साइकिल रख के पहले
शशि को गोद में उठाते थे, बहुत प्यार करते थे पिताजी इसको, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और मेरी ड्यूटी तो मैंने शशि को, पप्पू को, दोनों को गोद में उठाने की ड्यूटी थी, दोनों को गोद में, और मैं गोद में उठाता था तो शुशु कर देती थी मेरी गोद में। लेकिन जैसी अब है काम, वैसे ये काम बचपन में थी। कभी किसी चीज पे कोई इतराज नहीं करना, बहुत कंटेंटेड थी, बहुत कंटेंट। हैप्पी बर्थडे मॉम्सी, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, वी विल हैव अ पार्टी। Hello Dadi, wishing you the treasure of happy yesterdays and the gift of bright tomorrow. I know you will be looking very gorgeous today and enjoying your day to the fullest. So we are also having a lot of beautiful surprises for you. So let's come and see. Happy birthday Dadi. हाय बुआ, विश यू वेरी वेरी हैप्पी 60th बर्थडे बुआ। बुआ, आई रियली डोंट हैव टू मेनी चाइल्डहुड मेमोरीज विद यू, बिकॉज आई थिंक यू वर, आई वाज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन यू गॉट मैरिड, सो आई रियली डोंट कैरी मेनी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड। But I do remember that when we were in Ajmer, you all used to come driving up to Ajmer and for the New Year's, and we used to be very excited for your visit at our place. And I remember when you used to come, we all used to just go to Pushkar and have a fantastic time in the desert, in the Sarovar, and have those wonderful mouth-watering Malpuas. So those are the memories that I carry. And on this really, really special day of yours, Bua, I really want to share with you all the things that I have admired in you all through these years that I have known you. Bua, I really admire the kind of strength you have always exhibited in all these years. And the way you have an eye for detail and perfection is really something to admire. I really love the way you have that perfect balance between the work and the home and the family. The way you have given a lot of time to your work, at the same time brought up the kids and taken care of the house so beautifully well, that is something which I have always admired a lot in you. Along with that, the way you are always calm and composed given any situation is something which I love about you. I have never ever till now seen you angry on anyone or in any kind of situation. So that is something which I really love about you, Bua. Then on this special 60th birthday of yours, Bua, I want to wish you a lot and lot of good health. I want to wish you many, many beautiful moments with your close family, with your friends and all your loved ones being around you. I wish you tons of happiness, joys, smiles all through your life, Bua. Be loved, be blessed, be healthy, stay loved. Love you, Bua. Happy birthday once again. Have a fantastic day and an even wonderful year. Namaste, Bua ji. Kaisi hain aap? Wishing you a very, very happy birthday. God bless you. Aap isi tarah hamesha khush rahiye aur enjoy karte rahiye life ko. Aur main aapke liye cake bhej rahi hoon. Aap zarur khake bataiyega kaisa bana hai. अपना ख्याल रखिए एंड एंजॉय कीजिए, बाय। यू नो दे से मदर कम्स इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड समटाइम यू डोंट नो हाउ दे कम इन योर लाइफ, बट आई न्यू, यू नो, बिकॉज यू ब्रॉट मी अप, यू गेव मी कंपनी, यू गेव मी गाइडेंस एंड यू ऑल्सो गेव मी सपोर्ट। आई कैन नेवर गो हैड एंड फॉरगेट और एक्सचेंज द डेज इन माई चाइल्डहुड दैट आई स्पेंट विद यू। आई रिमेंबर क्राइंग, यू नो, व्हेन यू वर गोइंग and getting married. So I think that's the memory that I still have in my head. Over the years, you've been such a personality of strength, of support,
of you know, someone I would like to look up to, who has gone ahead and taken care of everybody around in spite of you know, the pressure that you have faced in your life. And at this moment, not just today, you know, because we have to go ahead and send you a birthday wish, I wish you all the best. I wish you a lot of wellness. I wish you you know, tremendous ease with your health, and I hope that you rest as well. I know it's very difficult for you to go ahead and rest, but I just hope that you bring that rest. And you know, I've always invited you to come here and just be with me and hang your boots and rest. But to someone who has been an amazing bua, then a mother, and now a grandmother, here is to you. Happy birthday, and wishing you love always. Hello everyone. So wishing Marcy a very happy 60th birthday, and I hope on behalf of everyone that her very good and great life ahead. And thanks everyone. Over to the rest of the folks. Happy birthday, Marcy. Happy birthday, Nani. Happy birthday, Nani. Happy birthday, Nani. Happy, happy, happy birthday. Great. Thank you. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bua. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you, Shashi Bua. Happy birthday to you. Happy birthday, मेरी प्यारी शशि भाभी. आप हमेशा खुश रहें, भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दे. Many many happy returns of the day, मामी. आपके बर्थडे को देखो, मामा ने केक बनाया, इतना बढ़िया केक बनाया. अभी आपके बर्थडे पे हम लोग काट रहे हैं केक. आ जाओ. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर मामी. हैप्पी बर्थडे टू यू. इस बार तो आप अकेले बच्चों के साथ खुशियां मनाओ, लेकिन 2021 में हम सब मिलके खुशियां मनाएंगे, खूब बढ़िया पार्टी करेंगे और केक काटेंगे. एंजॉय करो अच्छे से बच्चों के साथ. एंजॉय. हम दुआ मांगते हैं अपने भगवान से, तुम्हें हर खुशी मिले पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हो आपकी, आप मुस्कुराएं दिलो जान से. हैप्पी बर्थडे मामी. हैप्पी बर्थडे मामी जी. बहुत याद आ रहे हैं आपके हाथ के प्याज के परांठे और मीठी लस्सी. जल्दी आए आपके पास और आपके हाथ के खाएं. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मासी जी. हैव अ हेल्दी लाइफ अहेड. हैप्पी बर्थडे छोटी दादा जी. Namaste, Mami ji. Happy birthday. I wish this day brings you a lot of happiness in your life. I love you. छोटी मासी हो, तुम ममता का बादल हो, तुम मन और तन से उजली हो, तुम सहन शक्ति की मिसाल हो, तुम घर की पक्की नींव हो, तुम खिला हुआ गुलाब का फूल हो, तुम हमारे खानदान की रोशनी हो. ऐसी मेरी प्यारी छोटी मासी को 60वें सालगिरह की लख लख बधाई हो. हैप्पी बर्थडे मासी जी. Happy birthday, Masri. Have a strong, healthy, long life. God bless you.